हेलो फ्रेंड्स, मैं मशहूर पाकिस्तानी फिल्म स्टार और पाकिस्तानी सिनेमा का पहला रोमानवी हीरो दर्पण हूं। इस वीडियो में मैं अपनी जिंदगी की कहानी और करियर की तारीख अपने अल्फाज में शेयर करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी बेहतरीन वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें वसीम अब्बास साहिर का यूट्यूब चैनल लोली बोली। शुक्रिया। बिगड़ता क्या जमाने का, उठा ले आप ही खंजर, उठा ले आप ही खंजर, उठा ले। अब तुम ये बताओ क्या लोगे, हमने तो तुम्हें दिल दे ही दिया। हेलो दोस्तों, मैं इशरत अब्बास उर्फ दर्पण हूं। पाकिस्तानी सिनेमा के मशहूर अदाकार और पहले पाकिस्तानी मशहूर हीरोज के टॉप हीरो में से एक हूं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मशहूर संतोष खानदान से है। मर्दांगी, गहरी नीली शरारती आंखें, शाहाना कद, बड़ी बड़ी फिल्मी परियों की खूबसूरती नजर आती थी। मेरे सामने कुछ नहीं था, मैं अपनी नीली बली आंखों के हीरो और रोमन शहजादे हीरो के लिए मशहूर था। मैं मूसा रजा उर्फ संतोष कुमार, पहले पाकिस्तानी सुपरस्टार और रोमानवी हीरो और हिदायतकार एस सुलेमान और अदाकार मंसूर का भाई था। मैंने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1950 में फिल्म अमानत से किया था। न कर दे दर्द दुनिया के हवाले, उठा ले आप ही संजर, उठा ले। मेरे दिल के तार बज बार बार, हुआ तुझसे प्यार आ जा, रहूं बेकरार करूं इंतजार, गए नैन हार आ जा। दिलबर कहे तुम्हें के दीदारा, कहे तुम्हें आ जा, मेरे दिल के तार बजे बार बार। मैं 1928 को उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। मेरा असल नाम इशरत अब्बास था और मुझे फिल्म इंडस्ट्री में दर्पण के नाम से पहचान और शोहरत मिली। मेरे फिल्मी करियर का आगाज 1950 में फिल्म अमानत से हुआ। पाकिस्तान में चंद फिल्मों में काम करने के बाद मैं मुंबई चला गया, जहां मैंने प्रदीप कुमार और मीना कुमारी और फिल्म बाराती के साथ आदिल जहांगीरी में काम किया। मुंबई में कयाम के दौरान मेरा भारतीय अदाकारा निगार सुल्ताना के साथ अफेयर मशहूर हुआ। पाकिस्तान वापसी पर मैंने कई कामयाब फिल्मों में काम किया, जिनमें साथी, रात के राही, सहेली, गुलफाम, कदयदी, आंचल, बाजी, शको, एक तेरा सहारा और नायला शामिल है। बतौर हीरो मेरा आखिरी काम पायल की झनकार था, जो 1966 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। मैंने कुल 67 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 57 उर्दू, 8 पंजाबी और 2 पश्तो में थी। मैंने अपने जमाने की मकबूल हीरोइन नियर सुल्ताना से शादी की थी और मेरा रिश्ता आखिरी सांस तक कायम रहा। मैंने बेहतरीन अदाकार के जुमरे में 2 निगार अवार्ड्स हासिल किए। अदाकारी के अलावा मैंने बतौर फिल्मसाज भी खुद को आजमाया और बालम, गुलफाम, तांगेवाला, एक मुसाफिर एक हसीना जैसी फिल्में बनाई। मैं तवील अलालत के 22/8/1980 को लाहौर में इंतकाल कर गया। मुझे लाहौर के मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की वीडियोस के लिए ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें और लोली बोली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।